नमस्कार बच्चों, मैं फिरोज़ खान आज आपका राम सजीवन इंटर कॉलेज जबलपुर बांदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं विज्ञान का शिक्षक आज आपको कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के पहले पाँच प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में बताऊंगा। इसके शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, हमें परावर्तन अपवर्तन क्यों पढ़ना है, परावर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, इनके बारे में सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप किसी भी वस्तुओं को देखिए, अपने चारों तरफ की सारी चीज़ों को देखिए तो आप उनको देख सकते हैं। जैसे आपको मार्कर दिख रहा होगा, दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, ये भी मार्कर दिख रहे होंगे, लेकिन सोचिए कि अगर ये चीज़ें हमें दिखाई ना दे रही होती तो क्या होता। हम किसी चीज़ को जज नहीं कर पाते, उसके बारे में कुछ बता नहीं पाते कि वह दिखती कैसी है, उसका रंग क्या है, रूप क्या है। तो बात आती है कि अगर हमें ये चीज़ दिखाई देती है तो क्यों दिखाई देती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण हमें ये उस तरह की वस्तुएं या आसपास का सारी चीज़ें हमें दिखाई देती। जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, आपको क्यों दिखाई दे रहा, ऐसा क्या है जिसके कारण से ये सारी चीज़ें आपको आसपास की दिखाई देती। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा या पहला आंसर आप जब देंगे कि सर हमारे पास आंखें हैं इसलिए हम देख लेते हैं, सही बात है। पहला कारण तो यही है कि हमारे पास आंखें हैं जिसके कारण हमें आसपास की सारी वस्तुएं दिखाई देती। लेकिन सिर्फ आंखें काफ़ी हैं चीज़ें देखने के लिए, शायद नहीं, शायद क्या, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आँखों से ही, आँखें ही ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से आपको वस्तुएं दिखाई देती। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी आवश्यकता होती है आपको किसी भी चीज़ को देखने के लिए। जैसे कि हम बात करें आपको, जैसे कि कह सकते हैं ना कि अगर आप एक अंधेरा कमरा कर दें, बहुत अंधेरा कर दें कमरे में और आपको अंदर भेज दें और कहा जाए एक सुई ढूंढनी है आपको, पहली बात तो अंधेरा, उसके बाद से ढूंढनी भी बहुत छोटी सी चीज़ है, क्या ढूंढ पाएंगे आप, सर अंधेरे में कैसे दिखाई देगा, पर आंखें तो होंगी ना बेटा, आंखें तो नहीं गायब हुई आपकी। यानी कह सकते हैं आप आंखों के सिवा भी ऐसी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सहायता से आपको वस्तुएं दिखाई देती, वो चीज़ क्या है, उसे हम कहते हैं प्रकाश। अगर उसी कमरे में जिसमें आपको सुई ढूंढनी थी, अच्छा तेज़ी से हम प्रकाश चालू कर दें, बड़े बड़े सीएफएल्स लगा दें या फिर बड़े बड़े बल्ब लगा दें, फिर आपको ढूंढें, आपको मिल सकती है। या कह दे कोई भी छोटी सी चीज़, कोई पत्थर रख दें बीच में और अंधेरा कर दें, आपको छोड़ दें, आप टकरा कर गिर सकते हैं। लेकिन अगर उस कमरे में प्रकाश होगा तब आप उसे देख लेंगे। तो इसका मतलब है कि आंखों के साथ साथ हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश यानी लाइट की भी आवश्यकता होती। तो सिर्फ क्या लाइट से हम देख सकते हैं, यानी लाइट बस हो और हम सारी चीज़ें देख लें, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लाइट होने की वजह से ही सारी चीज़ें हम नहीं देख सकते, उसके लिए भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए। अब क्या चाहिए, इस पाठ में उसके बारे में बहुत विस्तार से दिया गया। तो आज हम आपको एनसीईआरटी के हिसाब से कैसे क्या चीज़ें, किन किन परिभाषा की आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन सब के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमें आवश्यकता है किसी भी वस्तु को देखने के लिए वो क्या है, प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है, बात को समझिएगा कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या, प्रकाश एक ऊर्जा है, लाइट एक एनर्जी है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना, देखने की क्षमता, देखने के लिए सेंस, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब क्यों दिखाई देती हैं प्रकाश की वजह से, क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता, जैसे ये बोर्ड है, इस पर प्रकाश आया, इस पर आएगा, टकराएगा तो आपतित होता, तो वह परावर्तित होगा, यानी इससे टकराकर वापस लौटेगा और हमारी आंखों तक जाएगा। अब जैसे ही ये प्रकाश आया, टकराया और परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आ गया, जिस कारण से हम भी वस्तुओं को क्या कर सकेंगे, देख सकेंगे। यानी कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश समझ में आया, अच्छे से पता चला आपको
क्या है, बहुत अच्छी बात। चलिए, प्रकाश के कुछ गुण भी होते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि प्रकाश ये काम करता है, कि प्रकाश में ये गुण पाए जाते हैं, उनके गुणों के बारे में पढ़ना कि प्रकाश आखिर है क्या, चलता कैसे है, कैसे आपको दिखाई देता, क्या प्रकाश आपको दिखाई देता, सोचने वाली बात है। उसके बारे में, उसके गुणों से हम पता लगा लेंगे कि कोई चीज़ हमें क्यों दिखाई देती, प्रकाश की वजह से हमें चीज़ क्यों दिखाई देती है, ये उसके गुण बता देंगे। जैसे कि पहला गुण है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती। आप बेटा प्रकाश को नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, लेकिन जब वो होगा कहीं पर तो वहां पर रखी हुई सारी चीजों को देख सकते। तो आप कहते होंगे सर हमने देखा था, एक अगर कहीं से होल हो, धूप आ रही हो तो हमें एक लाइन दिखाई देती। बेटा वो प्रकाश नहीं दिखाई देता, वो वातावरण में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना जो मौजूद हैं, वो है दिखाई देते हैं आपको, क्योंकि उनके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो वो परावर्तित होकर आपकी आंखों तक आते हैं। यानी प्रकाश अदृश्य है लेकिन प्रकाश की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते, लगभग हर चीज़ को। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में भी आप नहीं देख सकते, उनके बारे में भी बताएंगे। यानी प्रकाश है लेकिन आप उनको नहीं देख सकते। तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में आप वस्तुओं को देख सकते। दूसरा कि साधारणतया प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता। एक इसमें शब्द है बेटा, उनको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये साधारणतया हर जगह नहीं, हम महसूस करते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता, पर आपको भी पता है वास्तविकता में प्रकाश सीधी रेखा में गति नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये आपको कक्षा 12 में है इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। सीधे से समझ लीजिए कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता, आपको इतना ही पढ़ना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे हैं, कक्षा 8 में आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था होल वाला नियम, कि अगर कि एक दत्ती ले लें, उसके बीच में होल कर दें, जैसे अगर आप टॉर्च लगाएं तो उधर से एक बीम के रूप में, एक सीधी रेखा के रूप में आपको लाइट दिखाई देगी कहीं जाती हुई। तो वहां आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, तो एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको पता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता। चलिए दूसरी बात करते हैं कि प्रकाश के संचरण, संचरण का मतलब होता है चलने के लिए, मोशन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है या गमन कर सकता है। वैसे माध्यम क्या होता, माध्यम आपके बहुत सारे, जैसे हवा एक माध्यम है, पानी एक माध्यम, यानी जो छोटे छोटे कणों से मिलकर एक पूरा एनवायरनमेंट बना होगा वो क्या कहलाएगा, माध्यम कहलाएगा। जहां पर मान लीजिए जैसे पानी है वो भी एक माध्यम है, हवा है वो भी एक माध्यम है। इसके बाद निर्वात क्या होता है, जहां पर ना हवा हो ना पानी हो यानी कुछ ना हो उसको हम निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश वहां भी चलता है जहां कुछ नहीं होता, जैसे कि अंतरिक्ष में ना हवा है ना ही आपका पानी है, ऐसा कुछ नहीं, फिर भी वहां से सूरज से होकर पृथ्वी तक प्रकाश आता है। तो उसको आवश्यकता नहीं होती किसी माध्यम की, वो कहीं पर भी गति कर सकता है। इसके बाद बात करें हम कि प्रकाश की जो गति होती है, हमने पढ़ा कि साधारणतया जो प्रकाश है सीधी रेखा में गति करता, लेकिन प्रकाश वास्तविकता में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, आपने कक्षा 8 में पढ़ा था कि जो ऐसे 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 चलती हैं, यानी प्रकाश ना वास्तविकता में ऐसे ही चलता है। तो प्रकाश का जो गमन है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, यानी प्रकाश जो गति करता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, यानी एक ऐसा रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ आपका बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखें तो अगला क्या कि प्रकाश पारदर्शी माध्यमों, पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जिनसे आपको आर पार चीजें दिखाई देती। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच हो गई, हवा हो गई, इनसे गुजर सकता, लेकिन अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजर सकता। जैसे आपको बोर्ड दिख रहा है, क्या बोर्ड के आर पार दिख रहा है, नहीं दिख रहा। हम आपको दिख रहे हैं, दिख रहा है, जबकि बीच में ना हवा चल रही है, बीच में हवा है, इसके बावजूद हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। जबकि प्रकाश अगर हमारे बीच में कोई आप पत्थर रख दीजिए या कोई दीवार खड़ी कर दीजिए, हम आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि प्रकाश अपारदर्शी माध्यमों के आर पार नहीं जा सकता, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे के पॉइंटों की बात करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें, अगला गुण देखिए अगर हम अपना, तो अगला गुण है हमारा कि विभिन्न माध्यमों में
प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती है। निर्वात में अगर हम प्रकाश की चाल देखें तो 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ तक कि आप कहीं पर भी ले लीजिए, हर जगह में निर्वात में प्रकाश की चाल आपकी सबसे ज़्यादा होती है। बात करें दूसरे माध्यम की, दूसरा माध्यम कोई ले लीजिए, मान लीजिए आपने पानी ले लिया, पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है 2.25×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की जो रफ्तार होती है, स्पीड होती है, वो कहाँ होती है आपके निर्वात में होती है, 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। और अलग अलग माध्यमों में यानी पानी में अलग चाल होगी प्रकाश की, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, निर्वात में अलग होगी, हवा में अलग होगी, हवा निर्वात में लगभग समान ही मानी जाती है, अप्रोक्स एक ही जैसे की होती है। बात करें शहद है या अन्य कांच है, इन सब में अलग अलग प्रकाश की चाल होती है, यानी माध्यम बदलेगा प्रकाश की चाल भी बदल जाएगी। इसके बाद अगर हम लास्ट गुण इसका देखें, गुण तो बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंस में लास्ट देखें, तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य यानी हमारी देखने की जो क्षमता है, उसकी जो आपकी डेंसिटी सॉरी तरंग दैर्घ्य होगी यानी वेव लेंथ होगी, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती। तो आपने प्रकाश, प्रकाश के गुणों के बारे में अच्छे से समझा। इसके बाद आपके एनसीईआरटी कक्षा 10 में ही एक टॉपिक छोटा सा दिए हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में है, सारी एनसीईआरटी की चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ चीज़ें हटाई भी गई हैं आपके जो नवीन सिलेबस आया उसके हिसाब से अगर हम देखें। तो एक टॉपिक दिया है प्रकाश किरण, लास्ट में एक टॉपिक है आपका प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण क्या होता है समझिएगा, कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से, यानी जो प्रकाश है आपको पता है प्रकाश एक जगह से चलकर आता है, कहीं पर आएगा, आग के टकराता है, टकराने के बाद आपकी आंखों तक आता है, तब आपको उसमें दिखाई देती, तो यही जो प्रकाश कहीं से चल कर आता है, या प्रकाश जब किसी माध्यम में चलता है, और प्रकाश की चाल कैसी होती है, प्रकाश साधारणतया सीधी रेखा में यानी सरल रेखा में गमन करता है, तो उसी प्रकार जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश का पथ जो होता है उसको हम प्रकाश की किरण कहते हैं। अब एक प्रकाश की किरण है, एक और आ जाए, इस तरह करके जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें हो जाएंगी यानी दो या दो से अधिक हो जाएंगी, उसको हम प्रकाश किरण पुंज, पुंज का मतलब जिसे हम बीम कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश किरण पुंज अगर हम देखें तो तीन प्रकार का आपके सिलेबस में दिया हुआ है, पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा समांतर। अभिसारी क्या है, अगर अभिसारी के बारे में जाने तो जब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी अलग अलग जो प्रकाश किरणें इधर उधर हर जगह से आ रही हैं और जब जाकर किसी एक बिंदु पर मिल जाएंगी, तो इस प्रकार की जो प्रकाश की किरण की पुंज होगी वो आपकी कैसी होगी, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होगी। यानी जब बहुत सारी प्रकाश किरणें सिकुड़कर किसी एक बिंदु पर आ जाएंगी तो इस प्रकार की प्रकाश किरण पुंजें आपकी अभिसारी प्रकाश किरणें पुंज कहलाएंगी। इसके बाद बताएं अपसारी की, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही हो, यानी आपको लग रहा हो कि बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से चलकर आ रही हैं, यानी एक से बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलेंगी, उसको आप क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। जैसे कि टॉर्च, जब टॉर्च जलाते हैं आप तो देखते होंगे कि प्रकाश किरणें ऐसे बहुत सारी निकलती हैं, तो एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार की जो प्रकाश किरणें पुंजें होंगी उन्हें आप अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। समांतर की बात, जैसे नाम में है समान अंतर हो, जब सभी प्रकाश किरणों के बीच का अंतर समान होगा तो इस प्रकार की प्रकाश की जो किरणें होंगी इनको आप उनके समूहों को, प्रकाश किरणों के समूहों को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहेंगे।